सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा ने चलाया सफाई अभियान। मौजूद रहे विधायक। झारखंड गिरिडीह देवरी प्रखंड के चतरों में मंगलवार को विधायक केदार हाजरा के नेतृत्व में सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत बजरंगबली मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस बाबत विधायक श्री हाजरा ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 7 अक्टूबर को शपथ ग्रहण किए थे। इस 20 साल के बेमिसाल बेदाग और स्वच्छ सरकार देने के दृष्टिकोण से संगठनों ने 20 दिन के अंदर 20 साल के अंदर जो उत्कृष्ट काम किए, हम सभी कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के तहत 20 दिनों तक 17 सितंबर से 27 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सफाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या गरीब कल्याण, अन्य योजना वितरण का समय हो या टीकाकरण का काम हो, इस तमाम विषयों को लेकर के आम जनता के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो आह्वान किए हैं कि आप सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोविड से भी बचे हैं, वही लोगों को बता रहे हैं और क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई कराकर बाजार में लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि मोदी जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जो देशवासियों को संदेश दिया है कि अपने आसपास स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें, उसी दृष्टिकोण से लोगों को अपने आसपास साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील किया जा रहा है। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, मंडल अध्यक्ष लाल गोविंद मिश्रा, भाजपा नेता अंबिका वर्णवाल, वीरेंद्र तिवारी, विजय नंदन तिवारी, प्रकाश हाजरा, श्री राम सिंह, अजय तिवारी, जितेंद्र कुमार राय, विपिन गिरी, प्रमोद गिरी, सुधीर यादव, बोधी यादव, जितेंद्र कुमार, वकील साहब, मोहन यादव, शंभु हाजरा, भरत सिंह, सत्यदेव तिवारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रैंड सत्रह सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण का कार्यक्रम पूरे देश स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर और पूरे गिरिडीह जिला में हम लोग 17 सितंबर से चला रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है और 2001 में प्रथम बार मुख्यमंत्री पद का इन्होंने शपथ लिए थे और यह 20 वर्ष का जो कार्यकाल है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 13 वर्ष और 7 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री का, कुल मिलाकर 20 वर्ष का जो कार्यकाल है वह बेमिसाल और बेदाग छवि का। हम भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण के कार्यक्रम के तहत कई तरह का हम कार्यक्रम चला रहे हैं। हम कोविड के लिए सभी को मुफ्त में वैक्सीन जो मिल रहा है, इसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप मुफ्त में वैक्सीन लीजिए। कोविड काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 80 करोड़ गरीब परिवारों को जो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इसमें भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाकर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार के साथ जाकर अपना अनाज को लें। और कई तरह का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी का जयंती मना रहे हैं। आज दलित बस्तियों में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के अवसर पर हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं। जमुआ विधानसभा के अंतर्गत हिरोडी मंडल के बलेडी गांव में आज निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। गांडे विधानसभा का लेदा गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है और आज चत्रो बाजार में अपने कार्यकर्ता के साथ मंडल के अध्यक्ष लाल गोविंद मिश्रा जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान केदार हाजरा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी चतुर मंडल के कार्यकर्ता एकत्रित होकर स्वच्छता के रूप में आज हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे विधायक जी उपस्थित हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल के महामंत्री हैं, जिलाधिकारी समिति के सदस्य हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के मंच मोर्चा के अध्यक्ष हैं
और आज चक्रो बाजार में दुर्गा बजरंगबली मंदिर से लेकर दुर्गा मंदिर तक हम लोग सफाई अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोविड से बचें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 17 तारीख से जन्म दिवस के लेकर के और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात में 7 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। इस 20 साल के बेमिसाल बेदाग सरकार और स्वच्छ सरकार देने के दृष्टिकोण से संगठन ने हमें 20 दिन के अंदर 20 साल में जो इन्होंने उत्कृष्ट काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के तहत 20 दिनों तक 17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यों, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण का समय हो या टीकाकरण का विषय हो, इन सारे विषयों को लेकर के आम जनता के पास जा रहे हैं कि आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आपसे आह्वान किया है कि आप टीका लें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कोविड से भी बचें। और इस तरह से हम लोग बड़े बड़े बाज़ार जैसे आज चतरो बाज़ार है, जमुआ है, चरघरा है, कई जगहों पर ये सफाई का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और एक सफाई एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग बाज़ार में कि मोदी जी ने स्वस्थ मिशन के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत जो संदेश दिया है कि अगल बगल साफ रखना चाहिए, आज उसी के दृष्टिकोण से हम लोग आज चतरो बाज़ार में यहाँ के व्यवसायी भाइयों को, यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को सफाई के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि आपके दरवाज़ा स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, तभी आप स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई ऐसे उत्कृष्ट काम किए हैं, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उसी मिशन को लेकर के आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, सभी मंच मोर्चा के अध्यक्ष के साथ आज हम लोग चतरो बाज़ार में सफाई अभियान कर रहे हैं।